हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर मॉम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बालों में से डैंड्रफ को कैसे ख़त्म करें या फिर कैसे कम करें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि सर्दियों का मौसम है और हम लोग थोड़े गर्म पानी से सर धोते हैं। वैसे तो गर्म पानी से धोना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी ठंड में कई बार नहीं होता कि ठंडे पानी से सर धोएं, तो हम लोग थोड़े वार्म वाटर से धोते हैं। उससे क्या होता है, हमारे बालों में डैंड्रफ होने लगती है और बाल एकदम से हमारे बहुत ड्राई हो जाते हैं और फिर टूटने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। तो आज मैं आपके साथ जो नुस्खा या जो मेथड शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है। आप उसको कैसे मतलब बना के और कैसे उसको लगाना है, तो ये इस वीडियो में, मैं इस ब्लॉग में आज आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि आप डैंड्रफ को कैसे कम करें या कैसे ख़त्म करें। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे अपने बालों से डैंड्रफ को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल दो इंग्रेडिएंट से कैसे अपने बालों में डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। आपको केवल दो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट ये मैंने लिया है यहाँ पर खीरे का जूस, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये खीरे का रस लिया है मैंने, और सेकंड यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का रस। तो ये है नींबू का रस। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने 1/4 कप यहाँ पे लिया है खीरे का रस, और ये मैंने लिया है 2-3 टेबल स्पून आपको लेना है नींबू का रस। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक बोल लेना है और इन दोनों को इसमें ऐड कर देना है। ये मैंने डाल दिया खीरे का रस, और यहाँ पर ये मैंने डाल दिया इसमें नींबू का रस। बस आपको इन दोनों चीज़ों को, इसको अच्छे से मिक्स करना है एक स्पून की हेल्प से। बस ये मेरा मिक्स हो गया है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से मैं निकाल देती हूँ स्पून को, और अब आपको एक कॉटन की कोई भी बॉल लेनी है, जो भी आपके पास कॉटन अवेलेबल हो। और आपको ना थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में, आप देख सकते हैं कि मेरे कितनी ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है। तो ये सर्दियों का टाइम आ गया है, गर्म पानी से सर धोना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से बहुत डैंड्रफ हो जाती हैं। तो अब आपको एक एक पार्ट को ऐसे उठाना है, थोड़े थोड़े पार्ट्स को, बस ऐसे करके को बॉल को इसमें, बॉल में अपने डिप करना है, और इसको अच्छे से ले कर, और आपको पूरा इस पर अप्लाई करना है। ये देखिए मैंने पूरे पे अप्लाई कर दिया है। सेम आपको इसे सेकंड पोर्शन में करना है। आपको इसे ऐसे डिप करना है और यहाँ पे इसको ऐसे अप्लाई करना है। आपकी डैंड्रफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो सेम आपको, आप सारे बालों पे अपने ऐसे लगा लीजिए स्कल्प पे, और फिर मैं मिलती हूँ पूरे बालों में लगाने के बाद। सो गाइस, मैंने अपने पूरे स्कल्प पर ये लगा लिया है, यहाँ से लेके और पीछे तक लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ है आपको इसको फेंकना नहीं है। आपको ये थोड़ा सा ऐसे बॉल्स में लेके अपनी बालों की एक एक लेयर लेके और इन पे भी अप्लाई करना है। ये हम लोग खीरा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बालों में एक शाइनिंग आ जाती है। तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, जो बचा हुआ है आप इसको पूरे अपने लंबे बालों में अप्लाई कर लीजिए। चलिए मैं भी इसे अप्लाई करके आती हूँ। गाइस, ये मैंने पूरे बालों में लगा लिया है। ये देखिए मेरे बाल पूरे गीले हो गए हैं। बस अब जो ये ज़रा सा बचा है तो इसको मैं ऊपर से ऐसे अप्लाई कर देती हूँ। आप भी अपना ये पूरा यूज़ कर लीजिए, तो ये वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये मैंने पूरा अप्लाई कर दिया है, और ये मेरा ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको पीछे बालों को लेके एक जूड़ा बना लीजिए, या फिर आप रबर डाल लीजिए, जो भी आपका दिल करे वो डाल सकते हैं। और उसके बाद अब हमें इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है। हमको अपना सिर्फ 20 मिनट के बाद धोना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले नहीं धोना है, ताकि ये जो आपने लगाया है ये पूरा अच्छे से इसमें लग जाए और हमारी पूरी डैंड्रफ ख़त्म हो जाए। तो आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको 20 मिनट बाद अपना सर धोने के बाद।
सो गाइज, यहाँ पर मैंने अपना हेड वॉश कर लिया है आफ्टर 20 मिनट्स। अब हम हेयर ड्रायर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि रिजल्ट कैसा रहा। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में बिल्कुल डैंड्रफ नहीं है और बाल भी कितने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ पास से, अब मेरे बालों में बिल्कुल डैंड्रफ ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।